आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिमाइजिंग इकोनॉमिक फंक्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। यहाँ पर हमारे पास प्राइस फंक्शन गिवन है और अगर एवरेज कॉस्ट फंक्शन गिवन है। फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सबसे पहले हम रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे पी इंटू क्यू। प्राइस का जो फंक्शन है वो गिवन है, प्राइस को क्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये रेवेन्यू फंक्शन आ गया 26Q माइनस 2Q² माइनस 4Q³। फिर हमने कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए एवरेज कॉस्ट को क्यू से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज कॉस्ट को हमने क्यू से एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्यू प्लस 8 गिवन है, इसको हमने क्यू से मल्टीप्लाई किया तो Q² प्लस 8Q आ गया। पुट दी वैल्यू ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन इक्वेशन 1 यानी कि प्रॉफिट फंक्शन में हमने पुट किया तो ये हमारे पास जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो प्रॉफिट फंक्शन आएगा वो है 18Q माइनस 3Q² माइनस 4Q³। दिस इज क्यूबिक फंक्शन बिकॉज हियर द मैक्सिमम पावर इज 3। टू फाइंड द क्यू वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम वी विल टेक द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 18 माइनस 6Q माइनस 12Q² आ गया। फिर हमने इसको अरेंज कर लिया और माइनस साइन को कॉमन लिया तो हमारे पास 12Q² प्लस 6Q माइनस 18 आ गया। डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय 6, अब इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया और इससे हमने सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास जो है क्यू माइनस 1 और 2Q प्लस 3 आ गया। इसमें इससे हमने क्यू की टू वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। क्यू माइनस 1 को सॉल्व करके क्यू इक्वल 1 आ गया और 2Q प्लस 3 को सॉल्व करने से क्यू इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 आ गया। तो क्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, हम इसको इग्नोर कर देंगे। वी विल टेक ओनली क्यू इज इक्वल टू 1। नाउ वी विल टेक द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव था माइनस 12Q² माइनस 6Q प्लस 18। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 24Q माइनस 6 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ द क्यू इन द इक्वेशन 2। अब हम जो हमारे क्यू की वैल्यू 1 आई थी इसको हमने इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 30 विच इज़ लेस देन 0। सो एट क्यू इज इक्वल टू 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव प्रॉफिट फंक्शन इज लेस देन 0। सो क्यू इज इक्वल टू एट क्यू इज इक्वल टू 1 प्रॉफिट इज मैक्सिमम। एट क्यू इज इक्वल टू 1 प्रॉफिट इज मैक्सिमम बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन इज लेस देन द 0 विच इज़ अ कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम। नाउ वी विल फाइंड द प्राइस। प्राइस तो हम क्यू की जो वैल्यू है वो प्राइस फंक्शन में पुट किया तो ये 20 आ गई और क्यू की वैल्यू को प्रॉफिट फंक्शन में पुट किया तो ये 11 आ गई। फिर नेक्स्ट हम करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन गिवन है 200 माइनस 24Q प्लस 2Q² और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिए तो माइनस 24 प्लस 4Q इज इक्वल माइनस 24 प्लस 4Q आ गया और इसको इक्वल टू 0 करेंगे और इससे जो है हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का जो हमारे पास है इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 4। सो एट क्यू इज इक्वल टू 6 कॉस इज मिनिमम बिकॉज फर्स्ट और डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज ग्रेटर दैन 0 विच इज़ ए कंडीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा की ये कंडीशन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एंड सेकंड विल बी ग्रेटर दैन 0। सो एट क्यू इक्वल टू 6 कॉस्ट इज मिनिमम। इफ एवरेज कॉस्ट नेक्स्ट हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 200 माइनस 24Q प्लस Q² फाइंड द क्यू वेयर द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। हम एवरेज कॉस्ट फंक्शन का क्यू की रिस्पेक्ट से फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया है माइनस 24 प्लस 2Q, इसको 0 को इक्वल किया और इसमें से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्यू इक्वल टू 12। अब हम जो है इसी जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 2 आ गया है तो ये ग्रेटर देन 0 है। सो एट क्यू इज इक्वल टू 12 एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज ग्रेटर देन द 0 विच इज़ ए कंडीशन ऑफ द मिनिमम। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट। मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट है जो कि एट टू डिफरेंट प्लांट्स पे प्रोडक्शन करता है अपनी गुड्स की, टू डिफरेंट प्लांट्स पे प्रोडक्शन करता है और फर्स्ट प्लांट पे उसकी जो वो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी उसको C1 फंक्शन के कॉस्ट फंक्शन जो है उसका C1 होगा और सेकंड प्लांट पे जो प्रोडक्शन करता है उस पर उसकी जो कॉस्ट है उसका जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो C2 होगा। C1 जो है वो X1 पे डिपेंड कर रही है, X1 जो प्लांट 1 की प्रोडक्शन पे और C2 जो है X2 की प्रोडक्शन X2 पे डिपेंड कर रहा है, X2 जो है प्लांट 2 की प्रोडक्शन है। इनके C1 प्लांट 1 की प्रोडक्शन, X1 प्लांट 1 C1 प्लांट 1 में कॉस्ट है और X1 प्लांट 1 में प्रोडक्शन है, C2 प्लांट 2 में कॉस्ट है और
X2 प्लान 2 में प्रोडक्शन है। ये हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू 100 माइनस 2p, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। और फिर इसके बाद जो है ये कॉस फंक्शन गिवन है, c1 इज इक्वल 10x1 और c2 माइनस 0.25, c2 इज इक्वल टू 0.25 x2 स्क्वायर है, x इज इक्वल टू 100 माइनस 2p। अब जो है इसमें से हमने प्राइस की इक्वेशन, इस एक्स में से प्राइस की इक्वेशन फाइंड करेंगे, यानी कि हम 2p को इस तरफ ले आए हैं और 200 माइनस एक्स और पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये आ जाएगी पी की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, पी इज इक्वल 100 माइनस 0.5x। फिर जो है इसमें से हम इस रेवेन्यू फाइंड आउट कर लेंगे, रेवेन्यू का फार्मूला होता है पी इंटू एक्स, पी की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है, इस पी की इक्वेशन को एक्स से जब मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आया 100x माइनस 0.5x स्क्वायर। फिर इसी का ये जो हमारे पास रेवेन्यू आया इसका हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तो वो है 100 माइनस एक्स, और ये एक्स जो है टोटल आउटपुट है दोनों प्लांट्स में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि x1 प्लांट 1 में प्रोडक्शन, x2 प्लांट 2 में प्रोडक्शन, ऐसी एक्स इज इक्वल x1 प्लस x2। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल 200 माइनस एक्स की जगह हम x1 प्लस x2 पुट करेंगे, तो ये इसको हमने ब्रैकेट्स ओपन की तो ये 100 माइनस x1 माइनस x2 आ गया। और कॉस्ट फंक्शन है c1 इज इक्वल 10x1, तो c1 का जब हम मार्जिनल c1 का जब हम x1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये mc1 आ जाएगा, तो वो है 10। इस तरह से c2 फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में 0.25x2 स्क्वायर, तो ये जब हम इसका x2 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.5x2। टू फाइंड द इक्विलिब्रियम आउटपुट x1 एंड x2 इन प्लांट 1 एंड 2 वी विल इक्वेट द मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू MC1 एंड देन वी इक्वेट MR एंड MC2। MR इज इक्वल टू MC1, MR इज इक्वल टू MC2। तो ये हमने जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू और ये MC1, फिर ये मार्जिनल रेवेन्यू और ये MC2। MC2 जो हमारे पास 0.5x2 फाइंड आउट किया था, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू MC1, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू MC2। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आंसर है 0 इज इक्वल 10 माइनस 0.5x2, और इसको हमने जो है सॉल्व किया तो x2 की वैल्यू आई है 20 आउटपुट इन प्लांट 2। टू फाइंड दी आउटपुट x1 इन प्लांट 1 वी विल पुट दी वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में यहाँ भी इस इक्वेशन में हम जो है वो पुट करेंगे, तो ये 100 माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 10 है, तो इसमें हमने x2 की वैल्यू पुट की जो कि फाइंड आउट की थी 20, तो इससे हमारे पास x1 की वैल्यू 70 आ गई है। फिर पी इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5x, ये क्वेश्चन में गिवन था, और x जो है टोटल आउटपुट है दोनों प्लांट्स में, तो ये x इज इक्वल x1 प्लस x2 होता है, तो x1 जो हमने फाइंड किया वो 70 और x2 हमने फाइंड किया 20, तो दोनों को मिलाकर 90 प्रोडक्शन दोनों प्लांट्स में टोटल प्रोडक्शन मोनोपलिस कर रहा है वो है 90। पी इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5 को सॉल्व किया तो पी की वैल्यू 55 है। अब जो मोनोपलिस्ट है जो कि ही इज प्रोड्यूसिंग इज आउटपुट एट टू डिफरेंट प्लांट्स, तो ही इज फेसिंग आल्सो टू डिफरेंट कॉस्ट, दो मुख्तलिफ कॉस्ट जो है वो फेस कर रहा है C1 एंड C2। और अब हम प्रॉफिट फंक्शन में हमने जो है वो रेवेन्यू की वैल्यू पुट करेंगे C1 की और C2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। रेवेन्यू की सबसे पहले रेवेन्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, रेवेन्यू फंक्शन जो है ये है 100x माइनस 0.5x स्क्वायर, और इसमें हमने x यानी कि टोटल जो आउटपुट है 90 वो हमने पुट किया, तो 4950 आ गया। C1 फंक्शन गिवन है, इसमें x1 की वैल्यू x1 की यानी कि प्लांट 1 की प्रोडक्शन 70 पुट किया, तो ये 700, और इसे C2 जो प्लांट 2 की कॉस्ट है उसमें जो है वो प्लांट 2 की प्रोडक्शन 20 है वो पुट की, तो ये 100 आ गया। तो ये हमने प्रॉफिट फंक्शन में रेवेन्यू C1 C2 की वैल्यू पुट की तो 4150 प्रॉफिट फंक्शन आ गया।